का क्लास में हम लोग बात करेंगे। क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर लिखते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और सिर्फ हम बात करेंगे हेलो एरिन्स का। ठीक है, सिर्फ हमारा जो टॉपिक होगा और हेलो एरिन्स का है। ठीक है, जिनमें क्या होता है समझ लो कि ये जो है हमारा, ये इस तरह का ग्रुप को, ये जो हमारा बेंजीन है, ठीक, अगर इसमें बी आर लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। ये हमारा ब्रोमो बेंजीन हो गया, ये हमारा बेंजीन है, इसमें आयोडीन लगा हुआ है तो ये आइडो बेंजीन हो जाएगा, और ये बेंजीन है इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल आ जा रहा है, दो दो क्लोरीन आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए डबल क्लोरीन है, दो क्लोरीन इसमें भी है और दो क्लोरीन इसमें भी है, लेकिन पोजीशन क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन का पोजिशन किधर है, कितना पे, वन और टू पे है, तो ये हो जाएगा 1 2, क्या हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसको लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने कितने पे, 1 और 3 पे है, तो 1 3 और 2 क्लोरीन है, हो गया डाई क्लोरो बेंजीन होगा। ठीक है, और ये कितने पे है, देखिए 1 और 4 पे है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इसमें कॉमन नेम लिखने का बात करोगे तो एक चीज ध्यान देना, अगर 1 2 पोजीशन पे कोई चीज रहता है तो कॉमन नेम में ऑर्थो बोलते हैं, अगर 1 3 पे रहता है तो इसको मेटा बोला जाता है, और 1 4 पे रहता है तो पारा पारा, और ऑर्थो को ओ से, मेटा को एम से, और पारा को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो ये हमारा 1 2 पोजीशन पे था तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये है ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 3 पे है तो 1 3 को मेटा बोलते हैं, तो ये हो गया, तो लिखेंगे मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और ये हमारा 1 4 पे है तो इसको बोलते हैं पारा डाई क्लोरो बेंजीन, ये पारा डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। ठीक, चलो अब आगे कुछ और देख, हेलोजन ग्रुप से। ठीक है, देखे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए क्या, 1 में क्या लगा हुआ, क्लोरीन, तो क्या 1 क्लोरो, पहले क्लोरीन को लिखेंगे क्योंकि ये पहले आता है, सी मिथाइल बाद में आता है, तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल, और इसका नाम है बेंजीन, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, और 3 पे मिथाइल है तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और बेंजीन हो गया। ठीक, और इसमें कितना पे है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पे, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो गया। ठीक, अगर हम कॉमन नेम का बात करेंगे तो ये जो 1 2 पोजीशन पे, देखो 1 2 पोजीशन पे, तो 1 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, और इसका कॉमन नेम होगा 1 और 3 पे, तो 1 3 को बोलते हैं मेटा, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरो टॉल्विन। ठीक है, मेटा क्लोरो टॉल्विन, और ये 1 4 को बोलते हैं पारा, तो ये हो जाएगा पारा क्लोरो टॉल्विन, ये हो गया पारा क्लोरो टॉल्विन। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ब्रोमीन किस किस जगह पे, 1 पे है, 3 पे और 5 पे, तो ये हो जाएगा 1 3 5, और ये कितना है, कितना है यहाँ पे, 3 ब्रोमीन है,
तो दो के लिए डाई और थ्री के लिए ट्राई, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब इसमें देखो क्या है सो, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा बोलो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ पे क्लोरीन है, 1 3 5 पे हो जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक। मान लो अगर इस तरह से दिया हुआ है, सपोज करो कि इस तरह से है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ था, 1 2 3 पे होगा, 1 2 3 ट्राई, तीन है तो ट्राई क्लोरो बेंजीन हो गया, 1 3 5 1 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक। तो ये इस तरह से आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।